मैं कार्तिक शर्मा, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के खास कार्यक्रम आपके सांसद में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आपके सांसद की इस कड़ी में हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा से राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका संसद टीवी में। सर, आप देश के युवा सांसदों में से एक हैं और राज्यसभा बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है। विदेश से पढ़ाई करके आप देश में आए हैं और लोकतंत्र के मंदिर के उच्च सदन में आप हैं। आपकी प्राथमिकताओं की अगर मैं बात करूं तो क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? देखिए, प्राथमिकताएं तो मैंने पहले दिन ही निर्धारित कर दी थी कि मैं युवाओं के प्रति, चाहे वो रोज़गार के मुद्दे हों, उनको लेकर हमेशा से ही आगे रहा हूँ और उन्हीं को मैंने उठाने का काम भी किया है जो भी मुझे मौके मिले। चाहे वो कौशल रोज़गार योजना की बात करें या फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बात करें, उनके माध्यम से स्पोर्ट्स से मैं बहुत नज़दीकी से जुड़ा रहा हूं और काम करता रहा हूं प्रो रेसलिंग लीग के माध्यम से। तो मैं मानता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूं और हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश भी है और स्पोर्ट्स में भी हमेशा एक अच्छी जगह प्राप्त करके रखता है और हमेशा उसने अपना एक योगदान दिया है देश के लिए। तो मैं लोगों से जुड़ा रहता हूँ वहाँ पर भी स्पोर्ट्स के माध्यम से भी। तो ये स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स और जिन चीज़ों का सरोकार लोगों के साथ है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसकी कमी लोगों को महसूस होती है, उन मुद्दों को मैं अपनी प्राथमिकताएँ लेकर चलता हूँ। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं किस तरीके से मैं जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको सदन के पटल पर रख सकूँ और साथ साथ ही उनसे जुड़ी बातें उन तक पहुँचाई जा सके। जैसे कि हाल ही में मैंने एक मुद्दा उठाया था पेशेंट्स चार्टर का, जहाँ पर कि देखने में आया है कि कई नई निजी अस्पतालों में मृत्यु के बाद डेड बॉडीज़ को नहीं रिलीज़ किया जाता और लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पेशेंट चार्टर्स के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई निजी अस्पताल किसी भी बॉडी को रख सके, चाहे जो भी दिक्कत समस्या रही हो उनको बॉडी को रिलीज़ करना है और ये उनका मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके की विषय जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ देते हैं, उनको दिक्कत समस्या होती है, उनको उठाने का काम भी कर रहा हूँ। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द राइट टू हेल्थ केयर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स डील विद द सिटीजंस इन एन आर्बिट्री मैनर एंड वायलेट देयर बेसिक राइट्स। इफ द पेशेंट्स फैमिली इज अनएबल टू बेयर द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, इट हैज बीन नोटिस्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट अंटिल अ पेशेंट और हिज और हर रिलेटिव एंड अप पेइंग द बिल, the patient is not discharged and held in the hospital even if they are unable to do so. For instance, in November 2020, a woman patient after her delivery was held by a private hospital at Kushinagar in Uttar Pradesh for not paying the hospital bills. The patient's family had to approach the police administration in order to get the woman free from the hospital. Sir, abhi aapke pichle karyakal pe agar hum nazar dalte hain to 7 mahine ka hi karyakal aapka raha hai. Aise mein upasthiti aapki kareeb 100% ke kareeb hai. Ye ek achhi baat hai. सवाल उठता है कि बहुत सारे जनहित के मुद्दे आपने उठाए, मसले मसाइल आपने उठाए, किन्हीं खास मुद्दों का आप खास तौर पर जिक्र करना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो? जी देखिए, जैसे मैंने एक मुद्दा उठाया ईएसआईसी अस्पतालों का, हरियाणा के अंदर तकरीबन 5 ईएसआईसी अस्पताल 100 बेड के यहाँ पर पास हो चुके थे, जिनमें से एक पे काम हो रहा था, बाकी 4 पे काम नहीं हो रहा था और इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो गरीब तबका है और जिनको जो हमारे श्रमिक हैं उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसको माइंड में रखते हुए ही ये ईएसआईसी अस्पतालों का गठन किया गया था। तो उसका मैंने मुद्दा इसलिए उठाया कि ताकि अलग अलग ज़िलों को फ़ायदा मिल सके, अलग अलग ज़िलों में लोगों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं हरियाणा के अंदर, तो उनको प्रोत्साहन मिल सके, उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ मिल सकें, ये प्राथमिकता थी। इसके तहत मैंने उनका मुद्दा भी उठाया और इसके अतिरिक्त ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण से भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमने मुद्दा उठाया था कि जो नेचुरल क्रिमेशन के लिए, क्रिमेशन ग्राउंड्स को किस तरीके से हम अलग एक तरीके से, जिससे प्रदूषण कम हो सके और साथ साथ ही हम लोगों की जेब पे भी असर ना पड़े, तो हमने एक सुझाव दिया था कि क्यों ना हम लकड़ी की जगह
उपलों के द्वारा दाह संस्कार किया जाए, ग्रीन क्रेमेटोरियम जी बिल्कुल। और अगर आप उसमें देखें तो अगर हमने जब रिसर्च की डेटा निकाला तो ये पता लगा कि तकरीबन इंडिया, हम लोग भारत में आज ऑलमोस्ट सबसे पीछे हैं प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या के हिसाब से। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, एक पहल थी जिसको मैं प्रोत्साहित भी कर रहा हूँ, आगे भी बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मैं पेशेंट चार्टर की भी बात की, वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। एज ए लॉ मेकर हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि जब हमने एक बात उठाया, एक मुद्दा उठाया, सदन के पटल पर रखा और सरकार ने उसका जवाब दिया और परिस्थिति को क्लियर किया कि कानून क्या कहता है उसके बारे में, तो लोगों तक पहुँचाने का काम और निरंतर उसको बार बार लोगों तक पहुंचाने का काम, अवेयरनेस बढ़ाने का काम, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसको हमें एक सांसद के तौर पे निभाना चाहिए। एट प्रेजेंट ओनली 15 हॉस्पिटल्स हैव अ टाई अप विद ESIC इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। द लोड ऑन MRI, CT स्कैन एंड अदर इमेजिंग टेस्ट इज वेरी हाई एज पेशेंट्स हैव टू वेट फॉर मोर देन 3 months टू गेट दीज टेस्ट डन। आई एम वेरी सॉरी टू मेंशन दैट द स्टेट ऑफ अफेयर्स at the region of ESIC health centers, which cater to employees of private and government sectors, is very bad, as they are plagued with an acute shortage of doctors and paramedical staff. Lack of required strength of doctors, especially specialists, forces the patients to seek treatment in already overburdened government-run hospitals or private hospitals, of which they have to pay a hefty fees. The main drawback of the traditional method of open pyre cremation are air pollution, high ash, and methane emission due to wood, and finally deforestation. Studies reveal that a normal cremation needs 500 to 600 kilograms of firewood, liters of ghee, 300 to 400 cow dung cakes. The total cost of the cremation may go over 10,000 rupees. I would request the government to encourage green crematoriums, which uses only cow dung. Hence, we can save our environment and ecology. सर, चूंकि आप कई कमेटियों के सदस्य हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन, IT हो, MP लेट्स हो, पेटिशंस कमेटी हो, तो बतौर सदस्य कमेटी की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का अब तक आपका योगदान रहा है? मेरे को सौजन्य मिला चार कमेटियों में बनने का, कि मैं कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम और IT कमेटी में भी हूं और मुझे तकरीबन हमारी 6 मीटिंगें हो चुकी हैं उसके अंदर। और ये बहुत ही एक रोचक विषय है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डेटा प्रोटेक्शन से लेकर बहुत सारे अलग विषयों के ऊपर भी काम होता है। और आज दुनिया, जिस पूरी दुनिया में जहाँ पे कानून बन रहे हैं इन विषयों को लेकर, वहीं पर भारत के भी, वहीं पर हम भी उसी पोजीशन में हैं जहाँ पर कानून स्थापित हो रहे हैं और उनका एवोल्यूशन हो रहा है जी। उसका मूल्यांकन करना, क्योंकि ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री से संबंधित काम नहीं है, इसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इम्पैक्ट होती है, मल्टीपल लोग इम्पैक्ट होते हैं इसमें। एक सिर्फ ये नहीं है कि टेलीकॉम या IT मिनिस्ट्री या INB मिनिस्ट्री इम्पैक्ट होती है, इसमें ये भी है कि हर व्यक्ति विशेष के जो मौलिक अधिकार हैं, यानी कि हमारे डेटा प्रोटेक्शन से लेके, डेटा प्राइवेसी से लेके, हर चीज़ इम्पैक्ट होती है। तो जब हम ऐसे कानूनों के ऊपर शोध करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारे, हम लोगों को सांसदों के तौर पर भी ये सीखने को मिलता है कि हमारे को क्या जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके की डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके की डोमेन नॉलेज से हम सही फैसला दे सकते हैं, सही एडवाइस दे सकते हैं। क्योंकि आज जो कानून बनेंगे इनका आने वाली जनरेशन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये, हालांकि ये मिनिस्ट्री एक ही डिपार्टमेंट की हो, चाहे IT की हो या कम्युनिकेशंस की हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो कई तरीकों से कई जगहों पे लोगों पे पड़ता है। सर, मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे फ़िशिंग का मसला चल रहा है कि बहुत जगह पे फ़िशिंग के केसेस होते हैं और ये जो e-banking फ्रॉड्स होते हैं, इसको भी हमने इस कमेटी के द्वारा उठाया कि जो लोगों को इसकी दिक्कत आती है, समस्या, खास करके जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको एक्सपोजर नहीं है, तो उनको कैसी मदद की जा सकती है। तो उसमें हमारा एक बहुत अच्छा सुझाव था जो मैंने दिया और पूरे कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया कि क्यों ना, क्योंकि ये गेटवे है और जब भी कोई व्यक्ति विशेष उसको एंटर करता है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, जब भी उनके पास ऐसा कोई फ्रॉड का मैसेज आता है तो उसी गेटवे के थ्रू जाना होता है, तो क्यों ना उसके ऊपर ही एक वार्निंग आ जाए कि आप सावधान रहें कि अगर आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। तो ऐसे हमारे को आयाम मिलते हैं जिनकी वजह से लोगों को मदद हो सके, लोगों की मदद हो सके, आम आदमी की मदद हो सके, खासकर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, खासकर जिनको जानकारी नहीं है जी। सर, एक सवाल उठता है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप IT के भी सदस्य हैं जी, स्टैंडिंग कमेटी के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें एक स्क्रॉल पर सामने आ जाती हैं। एक तरफ धार्मिक, आध्यात्मिक चीज़ें आएंगी, वहीं कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो समाज और
बच्चों और युवाओं के लिए हानिकारक है जी। तो उस लिहाज से उस पर रोक लगाने के लिए बतौर सदस्य आपका क्या सुझाव है और क्या किस तरह के कानून को अमल में लाने की जरूरत है? देखिए, इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ये माध्यम बदल रहे हैं और इन माध्यमों के बदलने का मतलब ये भी है कि किस तरीके से तकनीकी डिलीवरी मैकेनिज़्म जब हमारे यहाँ देश में और दुनिया में बदल रहा है तो हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। ये सच है कि आज की डेट में सोशल मीडिया को गवर्न करने के लिए और OTT को गवर्न करने के लिए कोई कानून नहीं है, नियमित नहीं है, बहुत लिमिटेशंस हैं। और जैसे जैसे दुनिया में ये कानून बदल रहे हैं, जैसे अगर OTT की बात करें, आपने सोशल मीडिया की बात की, तो अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है वो उनको कवर नहीं करते, क्योंकि जब ये पुराने कानून बने हुए हैं केबल टेलीग्राफ एक्ट, और इसलिए इसको समझ के इसकी व्यवस्था ठीक तरीके से बैठा कर इसके लिए जो मूल्यांकन करने की ज़रूरत है वो कमेटी ने भी किया है और अपनी एडवाइस भी दे रही है। और मुझे लगा बहुत ही कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर था, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और बहुत ही अच्छे सुझाव निकल के आए हैं जिसका फ़ायदा मिलेगा। डिजिटल डिस्पेंसेशन के अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं लेकिन इनका समाधान भी बहुत जल्द निकलेगा, मेरा ऐसा मानना है कमेटी के द्वारा। सर, पिछले साल आप रवांडा में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा थे जी। करीब देश और दुनिया से 1000 से ज़्यादा सांसदों के सामने आपने अनुभव साझा किए। मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह का आपका अनुभव वहाँ पे रहा और क्या पक्ष आपने भारत के बतौर संसद सदस्य आपने एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। लगभग 1200 सांसद 190 देशों से वहाँ पर थे और उन सब से मिलने का मौका मिला, बात करने का, प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला कई मुद्दों के ऊपर। हमारी एक महिला सांसद, हमारी सीनियर सांसद थी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शन भी जीती वहाँ पर, उस पर गई। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमें अपने, जब आप भारत की बात रखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इस तरीके से, तो आपको पता लगता है कि भारत की क्या ख्याति है विश्व में, अब लोग कैसे भारत को देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ जी। जब हम चुनाव लड़े, क्योंकि हम एशिया पैसिफिक ग्रुप में थे भारत, और हम चुनाव जीते, उसके बाद जब रात को भोज रखा गया, रात्रि भोज, तो जो हमारे अगेंस्ट लड़े थे, जिन्होंने हमें नहीं वोट दी थी, वो भी हमारे डिनर पे आए। तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था, सीखने का मौका मिला और ऐसे MP से भी मिलने का मौका मिला, ऐसे देशों से जिनसे हमें ज़्यादातर मौका नहीं मिलता है बात करने का। हमने वहाँ पर, मैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर वीमेंस एम्पावरमेंट में था और वीमेन MPs के ऊपर हमने बात की वहाँ पर। हमने भारत की बात रखी कि महिलाओं को किस तरीके से सम्मान मिला है पिछले, खासकर पिछले 8 साल में, किस तरह से उनको सशक्त बनाया गया है, किस तरह से उनको एम्पावर किया गया है। और चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हाउसिंग स्कीम्स रही हो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें 2 करोड़ घर दिए गए हैं, चाहे वो समृद्धि योजना हो, चाहे इतनी भी अलग अलग योजनाएं आई हैं जहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली महिलाओं को फ़ायदा मिला है। मैं हरियाणा से आता हूं और हरियाणा में ही 2014 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन शुरू हुआ था, अभियान शुरू हुआ था, जहां पर जो हमारे राज्य में भ्रूण हत्या सबसे हाईएस्ट थी देश के अंदर। और मुझे कहने में खुशी है कि इन्हीं स्कीम्स की वजह से आज हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है बहुत इम्प्रूव कर गया है। और यही सब चीज़ें थी जिनको जब हमने लोगों को बताई। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। जब हमने अपने IPO के मित्रों सांसद मित्रों को ये बात बताई कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जहाँ तकरीबन 80 करोड़ लोगों को पिछले लगभग 2.5 साल से खाना मिल रहा है, तो उन्होंने हमें विश्वास ही नहीं किया इस बात का। उनको इस बात का विश्वास हुआ ही नहीं कि इतना बड़ा नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम दुनिया में कहीं चल सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक मौका था अपने देश की बात रखने का। और इसका मुझे लगता है कि हमें ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। हम लोगों को सीखने को भी फ़ायदा मिलता है और हमें अपनी बात रखने का भी एक मौका मिलता है। सर, एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से आप तमाम मुद्दों पे आपकी नज़र रहती है और जो सामाजिक मुद्दे हैं या समसामयिक मुद्दे हैं उन पे नज़र रहती है आपकी, पानी का मुद्दा भी आपने उठाया, जल संरक्षण का बहुत अहम मुद्दा है और कहते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। बिल्कुल ठीक। और आप ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी आखिरी बूंद जी, द लास्ट ड्रॉप जी, उसके लिए आपको जो जल संसाधन मंत्रालय उन्होंने सम्मानित भी किया जी, था, उसको लेकर के क्या रोड मैप है आपका और क्या सोचना है आपका पानी को लेकर? देखिए, पानी खासतौर पर भूजल की अगर मैं बात करूँ, पानी एक बहुत ही गंभीर विषय है और ख़ासकर कुछ ज़िले हैं हरियाणा के अंदर जहाँ पर पानी की परिस्थितियाँ भयावह हो गई हैं। अगर गुड़गांव की बात ले लें, दिल्ली के पास ही पड़ता है,
अगले 8 से 10 साल के अंदर जो वाटर टेबल है इतना रिसीट कर जाएगा कि पानी वाटर ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है और इसी के तहत हमने बहुत सारे प्रयास पहले भी किए हैं और हम लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दिक्कत इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये विषय ये है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और ये एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, जितना हम प्रयास करेंगे एज ए लॉ मेकर भी, एज एन इंडिविजुअल भी, हर तरीके से, हर आयाम में, मतलब ये दायित्व सिर्फ लॉ मेकर्स का ही नहीं है, ये सिविल सोसाइटी का भी दायित्व है, ये प्राइवेट लोगों का भी दायित्व है, पर्सनल लोगों का भी दायित्व है कि हम सब पूरी सोसाइटी में सब एकत्रित होकर समझें कि ये कितना बड़ा विषय है और इसके ऊपर हमें किस तरह से सुलझाने की ज़रूरत है। और हमने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं जहाँ पर ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है अलग अलग माध्यमों से। तो अब हमने एक नया कैंपेन लिया है जहाँ पर हम गुड़गांव का जो वाटर टेबल कम हो रहा है इस ज़िले को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप जेल इनमेट्स यानी जो जेल के कैदी हैं उनके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं जी, और उसके अलावा जो तमाम और जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग आते हैं उनके लिए भी आपने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि सोसाइटी में, समाज में हमारा जो लीगल प्रोसेस है ये एक तरीके से किडनी का काम करता है। जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किडनी उनको निकाल देता है और प्योरिटीज़ को बॉडी में देता है। उसी तरह से जो ये हमारा लीगल सिस्टम है या प्रिजन सिस्टम है, इसका भी काम है कि देश में और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको निकालने का काम करे, और जब व्यक्ति विशेष कुरीतियों से मुक्त हो जाए तो वापस वो समाज में जाकर अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजर बसर कर सके। तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब अगर कोई परिवार का व्यक्ति किसी कारण से वहाँ जेल में चला जाता है तो उसके बाद जो उसके बच्चे होते हैं, जो उसका परिवार होता है, उसको उसके रोजी रोटी का साधन बंद हो जाता है। तो हमने अपने एनजीओ के द्वारा इस ये प्रयास करने की कोशिश की कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, खासकर माताओं को, बच्चों को एजुकेशन मिल सके, ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके और आगे जाकर अपना करियर बना सके, ताकि वो क्राइम की तरफ ना जाएं। कि जिनके परिवार क्राइम में चले गए हैं, जिनका कोई सदस्य, उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, या जब वो उनकी सेंटेंस पूरी हो जाती है उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, उनको रोज़गार कैसे दिलाया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रोज़गार, और ख़ासकर मैंने पहले भी जैसे कहा था कि युवाओं के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित है, और आज की डेट में सिर्फ रोज़गार ये नहीं है कि सरकारी नौकरी ही रोज़गार का एक मीडियम है, आयाम है, या हर व्यक्ति इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है। आज देश और दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जिस तरह से नए नए आयाम पैदा हो रहे हैं, आज की डेट में हमारे युवाओं को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने का काम करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल है। पिछले ही आप साल देखिए, स्टार्टअप इंडिया इतनी अच्छी पॉलिसी सरकार ने शुरू की है, 2016 से ये एक्ट आया था, उसको कार्यान्वित किया, उसका आप इम्पैक्ट देखिए। 2016 में तकरीबन 450 से 450 स्टार्टअप थे इंडिया में, आज तकरीबन 13,000 स्टार्टअप हैं इंडिया के अंदर, जिनमें से 4,000 रजिस्टर्ड हैं और उस स्पेस में है, जैसे कि आप इन्वायरमेंट से लेकर एनर्जी एफिशिएंसी से लेकर इस एरिया पे काम कर रहे हैं, जिसको जिसमें एफिशिएंसीज का फ़ायदा मिलेगा और प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा मिलेगा। और तकरीबन 100 यूनिकॉर्न हमने पिछले एक साल में भारत ने दुनिया को दिए हैं, यानी कि हमारे यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट बनने लग गया है कि लोग अपने आप $multi-billion कंपनीज, क्योंकि यूनिकॉर्न तब बनता है जब $1 billion की आपको वैल्यूएशन मिलती है, $multi-billion कंपनीज क्रिएट हो रही हैं। और ये कौन लोग हैं? ये नॉर्मल युवा हैं, नॉर्मल यंग पीपल हैं, आपके हमारे जैसे, जिन्होंने एक आइडिया लिया और उस आइडिया के ऊपर काम किया, एक अपॉर्चुनिटी देखी, उस एफिशिएंसी का फ़ायदा उठाया या और उसको बिल्ड करने का काम किया, और वो एक बिज़नेस में तब्दील हो गया। मैं इसी का मैं कह रहा हूँ, हम एक आज यहाँ जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम नई संसद के सामने खड़े हैं, और मेरे हिसाब से ये नई संसद नए भारत का प्रतीक है और नई सोच का भी प्रतीक है। हमारे युवाओं को भी उसी नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और जिस तरह से दुनिया में आज इंडिया का नाम बढ़ रहा है, भारत का नाम बढ़ रहा है, खासकर डिजिटल विश्व के अंदर, मुझे वो दिन दूर नहीं है जब भारत डिजिटल और सोशल मीडिया का कि जो चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको लीड करने का काम करेगा। सर, 2006 में आपने ITV की स्थापना भी आपने किया था, मन में क्या विचार था आपको इसको लेकर के कि आपने स्थापना क्यों की थी इसकी? देखिए, मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और मीडिया उनमें से एक ऐसा स्तंभ है जिसका काम है कि वो सवाल पूछे और समय समय पर लोगों को अपना आईना दिखाए कि क्या ज़रूरतें हैं लोगों की, समाज की। और
मैं मानता हूँ कि मीडिया का एक बहुत अहम रोल है किसी भी लोकतंत्र के अंदर, और इसी की वजह से मैंने वापस आकर एक नया मीडिया व्यवसाय शुरू किया। मैं मीडिया में था नहीं पहले, और पर मैं बहुत पैशनेटली मीडिया को फॉलो करता था, और इसलिए मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं मीडिया विश्व के अंदर एक नई तरीके का प्रोडक्ट बनाऊं। और भगवान की दया से चीज़ें बनती गई, बढ़ता गया। आज एक समूह है, तकरीबन 2500 लोग काम करते हैं उसके अंदर, 26 प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग, प्रिंट, डिजिटल, टेलीविज़न के अंदर। और हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि हम किस तरीके से लोगों की बात रख सकें, अलग तरीके से बात रख सकें, नए तरीके से बात रख सकें, ताकि हम दूसरा दृष्टिकोण भी लोगों का ला पाए। सर, स्पोर्ट्स में भी खासी रुचि आपको है जी, ख़ास तौर पे रेसलिंग में आपको काफ़ी रुचि है जी। मैंने कहा हम हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, हरियाणा किसानी और खेल के लिए जाना जाता है, और दोनों में रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिससे मैं जुड़ा रहा हूँ। पिछले 7-8 साल से हमने प्रो रेसलिंग लीग का आयोजन कराया, और बल्कि सिर्फ आयोजन नहीं कराया, दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग लीग बन गई, जिसमें 100 से ज़्यादा ओलंपिक मेडलिस्ट ने पार्ट लिया, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेसलिंग लीग बनी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम इसलिए भी है क्योंकि रेसलिंग ने हम भारत को हमेशा दिया है। अगर आप देखें तो 1947 से लेकर आज तक अगर आप मेडल तालिका उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेसलिंग एक तरफ और बाकी सारे स्पोर्ट्स एक तरफ। तो नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इन सारों का अगर आप आकलन करेंगे आप पाएंगे कि लगभग 50% मेडल जो भारत ने आज तक पाए हैं इन सब में, वो सिर्फ रेसलिंग से आए। तो रेसलिंग ने भारत को हमेशा दिया है, और ये हमारे देहात से जुड़ा हुआ खेल है, मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, हर खेड़े पे, गली कूचे में खेला जाता है। सर, एक सवाल उठता है कि अभी आपने कहा कि मैं हरियाणा से आता हूँ, और वहाँ पर जाहिर बात है कि देश के पहलवानों ने अगर नाम रोशन किया है तो ज़्यादातर वो हरियाणा के रहे हैं, उन्होंने देश के मस्तक को हमेशा गौरव से ऊंचा किया है। आपको लगता नहीं कि ये खेल जो देश के बाकी राज्य हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए, और वहाँ के जो दूर दराज के जो लोग हैं जो गुर्बत की वजह से या किसी वजह से मेन स्ट्रीम में रेसलिंग में नहीं आ पाते या दूसरे खेलों में नहीं आ पाते, वहाँ हरियाणा के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको, उन्हें जाके सपोर्ट करना चाहिए, इसको लेके क्या सोच है आपकी? देखिए, खेल एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे देश में होना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि कुश्ती सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, यूपी में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और राज्यों में भी है। लेकिन इसकी एक विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ हरियाणा का, कि आज सिर्फ हरियाणा के लड़के कुश्ती में नाम नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की लड़कियाँ भी नाम कर रही हैं। पूजा ढांडा, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता बबीता फोगाट, इन सब लोगों ने हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, और ऐसे राज्य से आकर जहां पर इसकी उम्मीद नहीं रखी जाती थी कि महिलाएं भी कुश्ती में आएंगी। तो मैं खेल को एक ऐसा मीडियम मानता हूं जिससे सिर्फ ये ही नहीं है कि आप देश के लिए अपना नाम कमा पाते हैं, बल्कि आप सामाजिक जो त्रुटियाँ हैं उनको भी ख़त्म करने का काम करते हैं। इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है हरियाणा के संदर्भ में? मैं ये भी बताऊंगा, प्रो रेसलिंग लीग के अंदर ही पूजा ढांडा और साक्षी मलिक एक तरीके से उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ था, उनको प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला वर्ल्ड चैंपियंस के साथ, ओलंपिक चैंपियंस के साथ उनको एक्सपोजर मिला, उनको फ़ायदा मिला उसका, इसलिए जब वो उसके बाद परफॉर्म करने गए इंटरनेशनल चैंपियनशिप में वो जीत के आए और एक वर्ल्ड चैंपियन बनी, एक ब्रॉन्ज ओलंपिक चैंपियन बनी। तो आज हम लोग प्राउड हैं उनके ऊपर, और अलग अलग मेरा सिर्फ रेसलिंग ही नहीं, हरियाणा की भी खेलों की भूमि है। मैंने बॉक्सिंग लीग की भी शुरुआत की भिवानी से, और अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे बॉक्सर्स भी आते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से भी बहुत सारे बॉक्सर्स, चाहे वो मेरी कॉम जैसी चैम्पियन हो, चाहे निखिल जरीन हो, चाहे इतने सारे चैम्पियंस निकले हैं नॉर्थ ईस्ट से, और वहाँ भी महिलाओं का कमाल है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करने का, और एक तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने का। सर, चूंकि अभी आपका अभी जस्ट शुरुआत ही है आपकी बतौर सदस्य राज्यसभा में, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, अभी लंबा कैरियर आपका बचा है। बाकी मैं अगर सदन की बात करूँ, वापस आता हूँ मैं सदन पर, तो क्या आपकी सोच रहेगी सदन के लिहाज से, एजेंडे के लिहाज से? देखिए, एक ही बहुत ही मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे मौका मिला है कि हम एक सकारात्मक भूमिका आने वाले समय के लिए निभा सके देश में, क्योंकि जो फैसले आज लिए जाएंगे इसका बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट रहेगा, और मैं इसको अपने रोल को बहुत सीरियसली लेता हूँ।
मैं इस बात का वर्णन एक दोस्त से कर रहा था कि जब हम लोग सब सांसद बने, नए नए बने, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का सौजन्य मिला हमारे को, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं पहली बार सांसद बना था और उन्होंने कहा कि देखिए आप अब एक सांसद बने हैं तो आपको एक मौका मिला है अपने देश के प्रति काम करने का, तो क्यों नहीं इसको सीरियसली लिया जाए और क्यों नहीं इसको पूरी निष्ठा से और ऑनेस्टी से किया जाए। तो मेरे को ये लगा कि मैं इसीलिए मेरा जितना दृढ़ निश्चय था वो उस दिन और बढ़ गया। आपने शुरू में कहा कि मेरा तक लगभग 95% से ज़्यादा अटेंडेंस है, कहीं ना कहीं उनसे ही प्रोत्साहन लेकर जो उन्होंने बात कही थी, मैंने ये दृढ़ निश्चय किया था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम देश का भविष्य एक तरीके से तय कर रहे हैं इस सदन के अंदर, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेवारी बनती है एक सांसद की। जैसे कि हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस आईटी की बात कर रहा था, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे और स्टडी करना चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर हमने मंत्रालय को कोई रिकमेंडेशन देनी है कमेटी के द्वारा, तो उसकी जानकारी पहले हमें स्वयं को होनी चाहिए, तभी हम उनको इतने तकनीकी कारणों में और इतनी तकनीकी चीज़ों के अंदर एडवाइस दे पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने लॉ मेकर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि 135 करोड़ लोगों का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। अम्बाला से आप आते हैं, आखिरी सवाल ये है कि अम्बाला के लोगों के लिए कुछ खास रोड मैप आपके दिमाग में? जी बिल्कुल, देखिए घर से तो सबको प्यार होता ही है, और क्योंकि मैं राज्यसभा में हूँ तो मेरा तो पूरा हरियाणा ही है, लेकिन मेरा अडॉप्टेड ज़िला अम्बाला है। जी जी। और मेरा अम्बाला जाना होता है, अम्बाला मेरा घर है, मेरा परिवार है, लोग मुझे वहाँ पर बहुत प्यार मिलता है, और जो भी अम्बाला के मुद्दे हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हों चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हों, मैं उनको समय समय उठाने का काम करता हूँ। IMT का मुद्दा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे IMT का भी की घोषणा कर दी, और उसके अलावा अतिरिक्त भी जितने भी लोकल मुद्दे थे, मैं उनको समय समय पर सही पटल पर उठाने का काम करता हूँ। सिर्फ उतना ही नहीं, मैं ये भी कहूँगा कि मुझे संसद में आने के बाद अम्बाला के लिए भी कुछ मुद्दे उठाने का मिला है, मेरे कुछ प्रश्न लगे हैं, चूँकि अभी संसद नहीं चल पा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं एक यंग MP हूँ और मुझे सीखने का मौका मिला, पिछली ये मेरा तीसरा सेशन है, और इस कार्यकाल के अंदर ये भी समझ में आया कि आप प्रश्न लगाएंगे और आ जाएगा, ये भी इतना आसान काम नहीं है। तो पर मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी का, हमारे चेयरमैन साहब का, क्योंकि जब मेरे को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट सांसद हूँ और नॉर्मली टाइम अलॉट होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इंडिपेंडेंट्स को टाइम नहीं अलॉट होता है, तो जब मैंने एक पत्र लिखा चेयरमैन साहब को कि मेरे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया, सिर्फ संज्ञान ही लिया, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और सारे इंडिपेंडेंट्स को बुलाया, और ये भी कहा कि हम इंडिपेंडेंट्स को एक ग्रुप के तौर पे ट्रीट करेंगे, कि इंडिपेंडेंट्स की आवाज़ भी आनी चाहिए। तो वो अलग बात है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ की वजह से अभी संसद नहीं चल पा रहा है या किन्हीं कारणों की वजह से नहीं चल पा रहा है, लेकिन उन्होंने एक व्यवस्था बनाई और एक मौका दिया हमें अपनी बात रखने का। तो ये आज ऐसा, जब आपको लगता है कि आप कुछ बदलाव ला पाए हैं, एक सकारात्मक बदलाव ला पाए हैं, इवन एक इंडिपेंडेंट के तौर पर, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय चेयरमैन सर का भी, कि उन्होंने हमारी बात सुनी, एक इंडिपेंडेंट की भी बात सुनी और तुरंत उस पर एक्शन लिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने संसद TV को अपने बहुमूल्य वक्त में से समय दिया अपना इंटरव्यू देने के लिए, तमाम अनुभवों को आपने साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपके संसद में इतना ही, देखते रहिए संसद TV।